सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए उनके सारे सवालों का जवाब बड़ी ही शालीनता से दिया। अपनी बेदाग और बेवाक छवि के लिए जाने जाते हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह। इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ी सक्रिय भूमिका में दिखाई दे रहे हैं और लगातार योगी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किए हुए हैं। रेडी सर, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस पे आप क्या कहेंगे? कहाँ तक बेटियाँ पढ़ रही हैं और कहाँ तक बेटियाँ बच रही हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, आदित्यनाथ जी की सरकार में उत्तर प्रदेश बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, 10 साल 6 साल 8 साल की बच्ची के साथ। हाथरस का कांड हुआ, वाल्मीकि समाज की एक बच्ची के साथ बलात्कार की घटना हुई, उसके गले की हड्डी तोड़ दी, उसके रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, 14 दिन तक उसको इलाज नहीं मिला, 8 दिन तक उसकी FIR नहीं होती, उसकी डेथ हो गई। अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की रिपोर्ट है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, बावजूद इसके अगर योगी आदित्यनाथ के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार कह रहे हैं कि बलात्कार नहीं हुआ, इसका मतलब आदित्यनाथ की सरकार बलात्कारियों के साथ, गुंडों के साथ, अपराधियों के साथ, माफियाओं के साथ खड़ी है। और हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जयप्रकाश पाल की CO SDM के सामने हत्या कर दी गई, और उसके बाद जो हत्यारा था BJP का नेता, उसके पक्ष में भारतीय जनता पार्टी का विधायक खड़ा हो गया। आज पूरी की पूरी भाजपा हत्या करने वाले के साथ, बलात्कार करने वाले के साथ, इतने जघन्य अपराध को अंजाम देने वाले लोगों के साथ खड़ी हो रही है। इसलिए मिशन शक्ति जो इनका नारा है या बेटी बचाओ का जो इनका नारा है, वो पूरी तरीके से सिर्फ कागजी नारा है, सिर्फ उस पर विज्ञापन किया जा रहा है। ज़मीन पे हकीकत बिल्कुल उलट है, और ख़ास तौर से दलित समाज को, पिछड़े समाज को और अल्पसंख्यक समाज को, माइनॉरिटीज़ को टारगेट करके इस सरकार में उनके साथ अत्याचार और अन्याय किया जा रहा है। तो हम लोगों ने इसके ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ भी उठाई है, और आदित्यनाथ जी जब दशहरा के दिन कन्याओं के पैर धुल रहे थे, उसी दिन उसी गोरखपुर के अंदर एक मंद बुद्धि की महिला के साथ गैंगरेप हुआ। मऊ में एक महिला के साथ रेप हुआ, उसको छत से उठा के नीचे फेंक दिया। सहारनपुर में पति को बंधक बना के पत्नी का कार के अंदर गैंगरेप हुआ। फिरोजाबाद में घटना हुई, तो आए दिन अखबार इन्हीं घटनाओं से पढ़े हुए। तो बेटी बचाओ जो है वो सिर्फ BJP का एक दिखावटी नारा है, ज़मीन पर हकीकत बिल्कुल उलट है। बेटियाँ कतई सुरक्षित नहीं हैं आदित्यनाथ जी के राज्य। दूसरी बात, जो अभी सरकार एक नया स्कीम ला दी है किसानों के लिए, पराली ना जलाएं खेतों में, क्या इसके पहले तो परालियां खेतों में जलती थी, आज पुलिस द्वारा किसानों को परेशान किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस पे खाली घोषणा करने से या सख्ती करने के से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके लिए सरकार को योजना बनानी पड़ेगी। पराली जहाँ जलती है, उस गांव से लेकर शहरों से लेकर बड़े शहरों तक ये समस्या है, और आज की नहीं है, कई सालों से है। इसमें करना क्या चाहिए? पराली से कोयला बन सकता है, पराली का और दूसरे कामों में इस्तेमाल हो सकता है। आप किसान को पैसा दीजिए, वो उसको कटवा के और फैक्ट्रियों तक पहुंचाएं, उससे दूसरे रोज़गार की व्यवस्था आप कीजिए। जब तक आप ये नहीं करोगे, खाली जब वो पराली का टाइम आए और डंडे चलाए, तो उससे काम नहीं चलेगा। आपको एक व्यापक योजना बनानी पड़ेगी, और केंद्र सरकार हर साल पराली न जलाने के लिए हजारों करोड़ का बजट निर्धारित करती है। मैंने पार्लियामेंट में भी इसका सवाल उठाया था, लेकिन वो बजट ज़मीन पे किसानों को मिलता नहीं, उसका सही इस्तेमाल होता नहीं, तो इसलिए ये समस्या हर साल इसी तरह की बनी हुई है। इसका एक समाधान करना होगा। इससे भी ज़्यादा खतरनाक काम आदित्यनाथ जी की सरकार ने और मोदी जी की सरकार ने ये किया कि MSP अब पूरी तरीके से ख़त्म है, और मैंने संसद के अंदर इस बिल का विरोध भी किया था, जो मोदी जी का कृषि बिल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फ़ायदा होगा। मैं कैसे होगा ये बता रहा हूँ आपको।
इस बिल में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को अब असीमित भंडारण की छूट होगी। तो असीमित भंडारण कोई छोटा किसान तो कर नहीं पाएगा, उसको तो अपना खेत से अनाज पैदा करके बाजार में उसको बेचना है। असीमित भंडारण करेगा कौन? अडानी करेंगे, अंबानी करेंगे, टाटा करेंगे, बिरला करेंगे, बड़े बड़े पूंजीपति करेंगे। तो कोल्ड स्टोरेज बना बना के अनाज सस्ते दाम पे किसान से खरीदा जाएगा, असीमित भंडारण उसका स्टोरेज के अंदर किया जाएगा, और जब बाजार में उसी चीज की कमी आ जाएगी, आलू की, प्याज की, गेहूं की, चावल की, मक्के की, दाल की, तो उसको महंगे दाम में बेचा जाएगा। यानी नरेंद्र मोदी की सरकार ने जमाखोरी को, कालाबाजारी को और महंगाई को लीगलाइज कर दिया है, उसको वैधानिक घोषित कर दिया है इस बिल के माध्यम से। और MSP अभी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं किसानों को नहीं मिल रही है, कहीं भी MSP पे नहीं मिल रहा है किसान को, धान का दाम नहीं मिल रहा है। 800 रुपये, 1000 रुपये कुंटल में किसान को अपना धान बेचना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये जो मोदी जी की सरकार है, इसका बातें बड़ी बड़ी हैं, भाषण वीर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, कुछ कुछ बोलते रहते हैं, लेकिन जब किसान के लिए कुछ करने की बात हो, नौजवान के लिए कुछ करने की बात हो, रोजगार के सृजन करने की बात हो, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की बात हो, 24% देश की GDP नीचे जा चुकी है, इन सारे मुद्दों पर न वो सोचते हैं, न चर्चा करते हैं, न समाधान देते हैं, बल्कि देश को और गर्त में लगातार पहुंचाने का काम मोदी सरकार और योगी सरकार की नीतियाँ कर रहे हैं। जैसा कि आपसे एक सवाल हम और चाहेंगे, कि आपने एक वीडियो देखा होगा कभी माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद भवन के अंदर अपनी सुरक्षा को लेकर के रो रहे थे, आपने वीडियो देखा होगा। आज जो मुख्यमंत्री बनने के बाद इनका जो कार्य है, कि जैसे मुख्तार अंसारी, आतिक अहमद, ऐसे कुछ लोगों को इन्होंने टारगेट बना रखा है और उनके मकानों को गिरवा दे रहे हैं, जैसे आजम खान साहब के उनके मकानों गिरवा दिया, अवैध बता रहे हैं, इसके बारे में आप और आपकी पार्टी क्या कहेगी? मैं और मेरी पार्टी क्या कहेगी, मैं तो खुद उसका शिकार हूँ। 14 मुकदमे मेरे ऊपर किए, 4 महीने में 14 मुकदमे किसी माफिया पे नहीं हुए उत्तर प्रदेश में, संजय सिंह के ऊपर हुए। मेरी पार्टी का दफ्तर बंद करा दिए, देशद्रोह का मुकदमा मेरे ऊपर लगवा दिया। लेकिन मैं बाबा की तरह रोने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने उनसे कहा था 14 नहीं 1400 मुकदमे आप लिखिए, लेकिन जो जनता के बुनियादी मुद्दे हैं मैं उसको उठाता रहूँगा। और आदित्यनाथ जी का काम यही है, मुकदमे लिखना, तो लिखते रहें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जहाँ तक उत्पीड़न का सवाल है, कोई भी सरकार अगर राजनीतिक दुर्भावना से किसी के खिलाफ कार्रवाई करती है तो जनता उसका समय पर जवाब देती है। आज उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को देख रही है और महसूस कर रही है कि किस तरह से जातिवादी सोच के तहत सरकार को चलाने का काम किया जा रहा है, और समय आने पर लोग उसका जवाब देंगे। थैंक यू सर, चला जाए।